एक ना नेशनल मिशन होनी चाहिए और उसकी रूपरेखा पीएमओ तैयार करे या प्रधानमंत्री जी ही उसके मेन मेंटर हों, पार्क्स फॉर पीस, कि हमारे ये जो पब्लिक पार्क्स हैं ना इनकी संख्या को बढ़ाया जाए, इसका वर्ग एरिया बढ़ाया जाए, इसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, क्वांटिटी बढ़ाई जाए और यहाँ पर जो शेड ट्रीज हैं वो बढ़ाई जाएं और वहाँ की पब्लिक पार्क्स की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं। पार्क्स फॉर पीस मैं क्यों कह रहा हूँ, पार्क्स फॉर पीस इसलिए कहता हूँ कि आप देखिए पार्क्स में कभी भी वायलेंस नहीं होती, पार्क्स में बहुत कम क्राइम होता है। पार्क्स में कौन आता है, सीनियर सिटीजन आते हैं, लेडीज़ आते हैं, बच्चे खेलते हैं, अच्छा मौसम होता है तो और ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, सेलिब्रेट करने लोग आते हैं। हाँ ठीक है, एक रोमांटिक प्लेस भी होनी चाहिए थोड़े लोगों को, यंग कपल्स को रोमांस करने के लिए भी, भाई कोई क्राइम थोड़ी ना है। तो पार्क्स फॉर पीस का मतलब ही ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्क्स करें, आप इस चीज़ को सीखिए, वेस्टर्न मॉडल से सीखिए, है ना, उस चीज़ का स्वदेशीकरण कीजिए। आप इंग्लैंड चले जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखिए, हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद बड़े बड़े पार्क्स हैं और वहाँ लोग इतना यूज़ करते हैं। लोगों को आदत डालिए, पार्क्स फॉर पीस के अंतर्गत लोगों में एक संस्कार डालिए कि वो कुछ समय अपना, एक हफ्ते में कुछ घंटे पार्क्स में ज़रूर ज़रूर व्यतीत करें, वो वहाँ जाके ज़रूर टाइम स्पेंड करें। अच्छी हवा, अच्छी सोच, शोरगुल से दूर, नॉइस पोल्यूशन से दूर, एयर पोल्यूशन से दूर, डस्ट पोल्यूशन से दूर, स्मोक पोल्यूशन से दूर, आप थोड़ी वनस्पति की छत्र छाया में, है ना, यू फील गुड, वेलनेस फैक्टर होता है, इसीलिए पार्क्स फॉर पीस। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई कार्यक्रम वो किसी और डिपार्टमेंट को कह दें या देखें, वो तो वो बहुत कुशल हैं इस चीज़ में, वो बहुत क्रिएटिव हैं इन चीज़ों में, वो किसी को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, लेकिन पार्क्स फॉर पीस प्रोग्राम जो है वो अगर एक नेशनल मिशन की तरह चलाया जाए तो मैं समझता हूँ हमारे जो नागरिक हैं, हमारा जो भारत है, हमारा देश इस चीज़ का बहुत बहुत बेनिफिट ले पाएगा।